भैया बबुआ लोग तैयार है, तभी बजाई के मनोरंजन शुरू करो। सुनो रे सुनो सारे राजा और राजुलारे, सुनो रे सुनो सारे राजा और राजुलारे, जन्नत थे प्यार के द्वारे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हालचाल, स्वागत है आपका मेरे और एक नई वीडियो पे, नागालैंड टूर डे टू ट्रैवल। अभी हमने अपना हॉस्टल चेकआउट कर लिया है, तो आज का प्लान है हॉर्नबिल जाने का, हॉर्नबिल को एक्सप्लोर करने का। उससे पहले अभी हमने नाश्ता नहीं किया है, तो पहले यहाँ पर नाश्ता कर लिया जाए और उसके बाद देखते हैं लोकल कन्वेंस से कैसे पहुँचा जाए हॉर्नबिल। दोस्तों, अगर यहाँ की खान पान की बात की जाए तो नागालैंड में आपको पोर्क, बीफ, मटन, चिकन सब कुछ मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं वो यहाँ के लोकल जानवरों को भी सेवन करते हैं, और यहाँ पर कई प्रकार के इंसेक्ट मिलते हैं, सी फूड्स मिलते हैं जो कि रास्ते पे आपको दिख जाएंगे। और यहाँ का एक नाइट मार्केट है, अगर आप नाइट मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहीं पे हम देख रहे हैं जो लोकल वेंडर्स बैठे हुए हैं और अपना घर चलाने के लिए यहाँ पर अपना सामग्री बेच रहे हैं, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई मुर्गी बेच रहा है, कोई सी फूड बेच रहा है, तो कई प्रकार के यहाँ पर आपको डेलिकेसीज दिख जाएंगे। अभी हम लोग मार्केट से गुजर रहे हैं, जो कोहिमा का जो मार्केट है, न्यू मार्केट है, और यहाँ पर प्रतुल भाई शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। संतरा पूछा था इन्होंने, 150 रुपये किलो बोला तो भाग गए। और क्या, और क्या, 100 रुपये में आ गया था? नहीं, 100 रुपये में आएगा तो ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, और प्रतुल भाई, हाउ वॉज योर लास्ट नाइट, कैसा रहा? नींद काफी अच्छा था। अच्छा था ना, फिर देखो शॉपिंग करने लग गए। अभी हम फिलहाल इस छोटे से ढाबे पे हैं, थोड़ा ढाबा रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, चाय पीने के लिए, चाय थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे टैक्सी स्टैंड, टैक्सी स्टैंड से BOC, BOC से अपना खिसामा। जो लोकेशन का नाम है वो है खिसामा, जहाँ पर हॉर्नबिल हो रहा है, और जाते जाते आपको यहाँ का लोकल मार्केट दिखाते हुए जाएंगे। बहुत ही मस्त सुंदर सा है, ट्रैफिक बहुत होता है बट अच्छा है दिखने में, बहुत स्वीट मस्त। और रास्ते में कैंपिंग के लिए हमने कोहिम खरीद लिया 500 रुपये का, पीछे बिछा के सोएंगे आज पे ही, आज का बसेरा हमारा लगेगा कैंप साइट पे। तो ये रहे हमारे पशु भाई, ये दबा रहे हैं चाय और नमकीन, अरे कुछ नहीं खा रहे, हम भी कुछ नहीं खा रहे, हम चाय पी रहे हैं, पूरी सब्जी खाते हैं। चलिए खाने का मिलते हैं। वहाँ जो ब्लू वाला जो बस लगा हुआ है ना, सब BOC जाएगा। BOC स्टैंड तक लोग पहुँच गए हैं, BOC स्टैंड के पास में ही है जहाँ पर हमने चाय पिया। वो अंकल ने बताया कि यहाँ से हमें BOC जाने के लिए बस मिल जाएगा। दोस्तों, कोहिमा जितना ही खूबसूरत सिटी है उतना ही यहाँ के लोग रिस्पॉन्सिबल। मेरे आगे मैं देख रहा हूँ कि लंबी लाइन लगी हुई है, बट कोई भी यहाँ का ट्रैफिक रूल्स वायलेट नहीं कर रहा है। अभी तक के जो भी एक्सपीरियंस मिला है उसके हिसाब से यहाँ के लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, सिटी को क्लीन रखना चाहते हैं। सिटी बहुत ही अच्छा है कंपेयर्ड कि हम पहले सुनते थे कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं होंगे, यहाँ पे लूटपाट ज़्यादा होगा, बट अभी तक यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, फोटो रास्ते में मदद करने वाले बहुत हैं। हम लोग अभी है BOC स्टैंड और यहाँ से जिखामा स्टैंड जा रहे हैं, वहाँ से हम मिलेगा बस या सुमो खिसामा विलेज के, जहाँ पर हॉर्नबिल हो रहा है।
सो फाइनली हमने टैक्सी हायर कर लिया। सो शेयरिंग में 110 रुपये लेंगे भैया बोल रहे हैं, और रिजर्व करने से 450 रुपये लेंगे, तो हमने शेयरिंग में ही ले लिया है। एक और बंदा वो उठाएंगे और हम लोग निकल पड़ेंगे हॉर्नबिल के लिए, जो कि है खिसामा विलेज में। और लोग यहाँ पे बहुत फ्रेंडली है, बताते हैं कैसे क्या करना है। कोई मतलब उल्लू नहीं बना रहा है अभी तक ना, अभी तक उल्लू टाइप का जैसा नहीं है कि इसको लूट लेंगे, मतलब हेल्प किया है। मतलब अभी तक मिला है दे आर वेरी सपोर्टिव ऑल टूरिस्ट, प्लीज सपोर्ट कर रहे हैं। लोग फ्रेंडली हैं यहाँ के, जो जितने भी मिले हैं, नाइट कार्निवल था वहाँ पे भी लोग अच्छे से बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने कुछ अभी तक बोला भी नहीं। ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस टिल नाउ। तो अभी निकलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए, अभी रास्ते में देखते हैं क्या क्या आएगा। जितने भी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, सुंदर सुंदर लोग हैं, उनको हम अपने वीडियो में कैप्चर करेंगे और दिखाएंगे। तो हमारी सवारी निकल पड़ी भैया। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से कहाँ से है? तो हम लोग अभी हैं खिसामा नागा हेरिटेज, जो कि मेन गेट है उसकी बिल्कुल पास में है। तो हमारा टैक्सी ने हमको यहाँ पर उतारा। हाँ, तो हम लोग अभी हैं जखामा हेरिटेज विलेज में, और यहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पर है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हमने टिकट ले लिया है, ये कुछ ऐसा बैंड मिलता है 50 रुपये का, और कैमरा वैमरा अगर लेके आएंगे तो 50 रुपये उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अंदर में दोस्तों, नागालैंड कोहिमा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी प्रमोट किया जाता है, इसी वजह से इस फेस्टिवल में भी हॉर्नबिल फेस्टिवल में यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर देखने को आपको काफी मिलेगा फ्रूट्स वेजीज जो कि उगाए गए हैं ऑर्गेनिकली, और यहाँ पर आके आप टेस्ट भी कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। हाँ तो दूसरा ये ट्राई कीजिए, कितने का है ये? 100 is 120. What is it? How was the experience after drinking this? It was so too much so sour. पतुल ने लोकल ड्रिंक ट्राई कर लिया, लोकल दारू। अभी हमारे प्रसन्न भाई ट्राई करने वाले 5-minute जूस कैसा है? Not bad. नहीं, कैसा है? How is the taste? अच्छा है। Taste कैसा है? खट्टा है। हाँ। मतलब जो तुम्हारा original taste है। क्या है क्या? हम अभी हमारा time है। खट्टा लेकिन है। खट्टा है ना? खट्टा बहुत। खट्टा है। आधा तो पी के start करते हैं क्या? एक और tip। एकदम नहीं होगा। एक और। Four tanger मतलब? कीवी, मिर्चा पाउडर है, कीवी हम लोगों का कीवी ना 100 रुपीज पर केजी, हमारे यहाँ पर 1000 रुपया लेकर, वही तो 50 रुपये बोल रहे। स्वीट है। हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ के लोकल वाइन, फर्मेंटेड वाइन। कैसे कैसा लग रहा है? ठीक है, और एजिंग चाहिए।
ये कौन सा है? ये तो अच्छा है, ये वाला पक्का, ये वाला ये स्वीट, ये स्ट्रॉन्ग है ना, हिल जाऊंगा मैं पूरा, मैं हिल जाऊंगा, आप ग्रिप पॉइंट है, ट्राई करेंगे थोड़ा सा, करो ना करो, थोड़ा सा छोड़ू इसमें से, पियो 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 पियो, हाँ ये सही है, बढ़िया है, उससे ये बढ़िया है, स्वीट है, ओके स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कितना है, स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी भी सही है, ये वाला ट्राई नहीं किया तुमने, ग्रेप्सू ये भी ट्राई करा था एक हफ्ते, एक वीडियो मैसेज इसको ट्राई कीजिए, कलर एकदम गोल्डन है इसका, पीली जगह को नहीं है मुंह लगाइए ना, क्या एकदम आपसे ज्यादा, अरे रुको रुको पियो पियो, दारू पी रहे हैं वाइन, थैंक यू, तो अभी हम 120 रुपए का वाइन पी लिया टेस्ट करते करते, हम लोग भी आए हैं यहाँ पर, फ्लावर का एग्जीबिशन है, फ्लावर का एग्जीबिशन, बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उनको अकॉर्डिंगली ये कंपटीशन है, कुछ उनको प्राइस वाइज भी दिया हुआ है, तो अच्छा है, बहुत से टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं यहाँ पर, फ्लावर्स है, प्लांट्स है, नाइस, सो थोड़ा सा जिरा रहे हैं यहाँ पर, मतलब आराम कर रहे हैं, जिराने के बाद ऊपर चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं वहां पर जहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रहा है, काफी लोग यहां पर हैं, और मैं बताना चाहूंगा ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा है ये खिसामा में हो रहा है, खिसामा नागा हेरिटेज विलेज, जो कि सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है कोहिमा से, और ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है दिसंबर के महीने में 1 से 10 तारीख के बीच, और ये जो फेस्टिवल है ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे इंडिया की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, ताकि यहाँ के रिच कल्चर को लोग एक्सपीरियंस कर सकें। सो दोस्तों, नागालैंड में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन 16 डिस्ट्रिक्ट में 17 ट्राइब निवास करते हैं, 17 मेजर ट्राइब। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल में ये जो 17 मेजर ट्राइब्स हैं यहाँ पर आके दिन के समय में परफॉर्म करते हैं, कल्चरल इवेंट्स होता है, और शाम के समय में यहाँ पर इंडियन रीजनल जो बैंड्स हैं, वेस्टर्न बैंड्स हैं, यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं यहाँ के प्रोग्राम्स को, यानी दिन में आप रीजनल कल्चरल प्रोग्राम इंजॉय कर सकते हैं, और शाम के समय में आप यहाँ के वेस्टर्न और इंडियन जो बैंड्स होते हैं उनका म्यूजिक आप इंजॉय कर सकते हैं। ये एक स्टेडियम है, स्टेडियम में आप चारों तरफ देखें लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आगे का जो भी सीन है, जो भी कार्यक्रम है, देखते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं। तो काफ़ी मज़ा आ गया, यहाँ पे आए थे हम, यहाँ पर जो एग्जिबिट है वो देखा, फेस्टिवल देखा, लोकल ट्राइब्स का डांस देखा, अभी जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं और ज़्यादा, पर क्या क्या है खाने के लिए, क्या क्या ऑप्शन है। तो हमने ऑर्डर किया है मैगी, तो यहाँ पर आके मैगी ना खाया तो क्या खाया, मज़ा आता मैगी मैगी मैगी
तो यहाँ पे आके मैगी नहीं खाए तो क्या खाया है? तो अभी फिलहाल मैगी करते हैं टेंट का। हाँ, अपना टेंट कहाँ गाड़ना है उसका भी इंतजाम हो गया है, ठीक है, टेंट के ओनर से। तो जो भी लोकेशन है हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप आएंगे तो यहाँ पर ऐसे रह सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, है कि नहीं? एकदम सही जगह मिला। और इनका ये रहा, दिखा लो। बढ़िया, इनका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ इसमें है, तो आना है तो इसके कॉन्टैक्ट करके आप आ सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल के लिए मैगी लोकेशन सबसे बढ़िया है हम लोग का। और अभी हम लोग ये नया फर्स्ट टाइम लगा रहे थे ये कैंप साइट। ये पूरा प्लेस को क्या बोलते हैं इसको? किसामा बोलते हैं। किसामा विलेज। हाँ, किसामा। इसको असल में ये विलेज नहीं है, लेकिन जो हॉर्नबिल है ना, हॉर्नबिल को सरकार ने दो विलेज से खोल के बनाया। एक उस तरफ में फैसामा है और उस तरफ में किगोमा है। इसीलिए दोनों लोग ने, दो विलेज ने क्या किया बोलने से किसी का नाम भी नहीं देगा। इसीलिए दो विलेज का नाम दिया, की से किगोमा और सामा से फैसामा। इसीलिए वो लोग ने इसको किसामा बोल दिया। सो हम लोग पहुंच चुके हैं अपना कैंप साइट, जहां पर अपना हम अपना कैंप पिच करेंगे। बढ़िया है, वाइल्ड रूट कैंप, पूरा पहाड़ी जैसा फील आएगा, पहाड़ी में जाकर रहेंगे। नाम है इनका वाइल्ड रूट कैंप। ये नहीं है इनका नीचे। हाँ, तो फाइनली गाइस हम लोग अपने कैंपिंग साइट में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम लोग यहीं पे कैंप अपना पिच करना है। तो इसके लिए हमें 500 रुपये देना पड़ेगा ओनर को, और ओनर हमें खुद ही यहां पर छोड़ के गए हैं, करीब करीब 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में। अगर हम अभी वापस अगर हॉर्नबिल जाएं तो 20 मिनट का समय लगेगा, 20 से आधा घंटा। तो चलिए फटाक से अपना ये आपको कैंप साइट दिखाते हैं और उसके बाद अपना कैंप पिच करते हैं। अरे कौन है अंदर? कौन है? बाबू जी कुछ बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट। भैया कैमरा में बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बढ़िया लग रहा है यार ये कैंप साइट, इनका कैंप साइट अच्छा है। तो आउटस्कर्ट में है बट बढ़िया लोकेशन में है, पहाड़ के बीच में काट के बनाया हुआ है। VZ कैंप साइट ना, तो पीछे हमारा कैंप पिच हो गया है, ठीक है, बहुत इजीली है। इट्स टुक ओनली 5 to 10 मिनट्स, बहुत इजीली। और ये लोकेशन बढ़िया है, सुबह उठते ही पहला काम करेंगे, पहला काम ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ से। सो जो हॉर्नबिल हो रहा है वहाँ से करीब करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से दिखता है पीछे में है, उधर ऊपर में सस्ता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो जस्ट 1200 रुपये पर टेंट लेते हैं दो लोग का, अगर खुद का टेंट नहीं है तो। हमारा टेंट था, हमने अपना टेंट पिच करवा लिया है, कर लिया है मतलब। हाँ, खाना पीने का इंतज़ाम ऊपर ही होगा जो है, तो हमने अभी तक मैगी खाया लंच में, ब्रेकफास्ट अच्छा किया था, पूरी सब्जी चाय। तो बढ़िया से यहाँ पर फायर का भी इंतज़ाम है। ये चांद पे दाग ना लगना चाहिए, क्लीन चांद है। सो यहाँ से हम अभी फिर से म्यूजिक फेस्ट में जा रहे हैं वापस, अपना टेंट पिच कर दिया है, तो सिर्फ खाना वाना जुगाड़ बाकी है, खाने वाने का जुगाड़ उगड़ होने के बाद तो एंजॉय करेंगे और रात को आगे यहीं पे सोएंगे। बढ़िया लोकेशन है। सो गाइस यही है गेट, मेन गेट किसामा हेरिटेज विलेज का। तो यहाँ से होके आपको फेस्ट के लिए जाना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जाना है। देख सकते हो मेरे पीछे बड़ा गेट है आपका, और अंदर और एक आपका एंट्री गेट है, जहाँ से आपको ये पास लेना है, मतलब 50 रुपये का टिकट लेना है एंट्री के लिए। बढ़िया है, खाने पीने का पूरा माहौल है, बढ़िया सा माहौल है यार, ये फेस्टिवल ज़रूर एक बार आना चाहिए, बढ़िया है यार, अच्छा लगा देख के।
Ladies and gentlemen, make some noise again for Taronga from the Kanthar tribe. हाँ देखो भैया बबुआ लोग तैयार हैं तनिक बजाई के मनोरंजन शुरू करो. सुनो रे सुनो सारे राजा और राजुलारे, सुनो रे सुनो सारे राजा और राजुलारे, जन्नत है प्यार के द्वारे, प्यार के रंग है सुहाने. वो तो यहाँ के सारा स्टॉल सब एक्सप्लोर कर रहे हैं. हम लोग अभी फिलहाल है जितने भी स्टॉल्स है खाने का एक एक करके जा रहे हैं और चेकआउट कर रहे हैं क्या क्या है खाने में. अरे आप भी आ जाओ भाई. हमारे आए हैं कहाँ से? वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल से आए भाई. पूरा ट्रैवल करते वरते है ये चाय किंग. अरे ये कीचड़ है. चलो 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 हो जाएगा. ये भाई आए हैं गोरखपुर से. क्या रहा भाई? रोविंग सनोज. और इनका था दे यादव को सद्दाम दे. सद्दाम दे दे ही बोला कोई दिक्कत नहीं है मुझे. सद्दाम दे. और इन भाई पीछे हाय. और ये भी कोई, ये सब यूट्यूबर्स है बड़े बड़े. बड़े बड़े नहीं यार, बहुत छोटे. एक 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 टाइम पे देखना बड़े हो जाओगे तो बड़े तो सब सभी वीडियो देखेंगे. चलो यहाँ से अलविदा करते हैं. अब कल नए डेस्टिनेशन. कल आप नए डेस्टिनेशन नई जगह पर मिलेंगे एक और नई प्लेस के साथ. नए अच्छे अच्छे वादियों हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे. चलिए मिलते हैं कल सुबह. बाय.